बात करेंगे डींडवाना की विधानसभा चुनाव से पहले इस बार बीजेपी ने प्रदेश की उन 15 विधानसभा सीटों का भी सर्वे कराया है जो कि मुस्लिम बाहुल्य है। वहीं अगर बात की जाए नागौर और डींडवाना जिले की, तो यहां की नागौर, मकराना, डींडवाना और लाडनू सीटें भी इन 15 सीटों में शामिल है। इससे इस बार के चुनाव के लिए ये संभावना भी जगी है कि बीजेपी राजस्थान में अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को भी कुछ सीटों पर टिकट दे सकती है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री कासम राठौड़ ने उम्मीदवारी जताई है। बीजेपी की टिकट पर यूनुस खान ने 2 बार चुनाव में जीत भी हासिल की है। वहीं वसुंधरा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। पिछली बार बीजेपी ने यूनुस खान को डींडवाना की बजाय टोंक में सचिन पायलट के सामने चुनाव लड़ने को के लिए भेजा था, जिसमें यूनुस खान को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार यूनुस खान फिर से अपनी परंपरागत सीट डींडवाना से ही दावेदारी जता रहे हैं। इस प्रकार लाडनू से तस्लीम आरिफ मुन्ना ने भी अपनी उम्मीदवारी जताई है।